सहायक परियोजना अधिकारी हुकुमचंद गौतम ने बताया कि कैंप में डॉक्टरों द्वारा मंगलवार को पलवल ब्लॉक के दिव्यांग छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद में दिव्यांगों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए। सर्टिफिकेट के आधार पर दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। ये आज हमारा ये तीसरा कैंप है और परसों हमारा लास्ट होगा जो हसनपुर ब्लॉक का होगा। कल हम किन्हीं कारणों से कल हमारा यह कैंप नहीं रहेगा, बाकी परसों हमारा कैंप का आखिरी दिन होगा और हसनपुर ब्लॉक के बच्चे उसमें बनाएंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए किस तरह की आपके कैंप में सुविधाएं दी जा रही है? हमारे यहाँ अभी जो ये मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है, इसमें आज पलवल ब्लॉक के जो बच्चे हैं उन बच्चों का मेडिकल असेसमेंट किया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा। एमआर बच्चे हैं, ऑर्थो के बच्चे हैं, ईएनटी विशेषज्ञ हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, साथ में आई स्पेशलिस्ट हमारी है यहाँ पर है, और इसके अलावा एलिम्पो से हमारे यहाँ पर विशेषज्ञ आए हुए हैं। जो जिन बच्चों के अंग छोटे हैं, यानी कि जैसे पैर छोटे बड़े हैं, तो उन बच्चों के अंगों का वो मेजरमेंट करेंगे, और मेजरमेंट करने के उपरांत उन बच्चों को विशेष प्रकार की जो जूते हैं वो एलिम्पो कंपनी के द्वारा बाद में, और इसके अलावा जैसे बच्चों को ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, जिप चेयर है, जिनकी भी रिकमेंडेशन हमारे डॉक्टर करेंगे, उन डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आधार पर उन बच्चों को वो सारे सहायक उपकरण वितरित किए हैं। कैंप में विशिष्ट अतिथि भाजपा नेत्री यशमा रानी ने बताया कि सहायक उपकरणों में ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, हेयरिंग मैजिक स्टिक आदि दिए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगों के बस और ट्रेन के पास बनाए गए हैं। छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरणों की सलाह प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिव्यांगों की पेंशन भी बनाई गई है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अभी आज जो उसमें लगा है उसका टारगेट कम से कम 150 से बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें हम उनके बच्चों का मेडिकल बनवाएंगे, जो सरकार से सुविधा होगी उनको सुविधा मिलेगी।